घोटाला बगैर सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकता। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी गरीबों से सारा पैसा खींच कर बैंकों में जमा करते हैं और फिर बैंकों के अंदर भी पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, वो विदेश में लेकर भाग जाते हैं। बगैर ये बीजेपी सरकार की उसके नहीं हो सकता। और बड़े दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ तो ये कह रहे थे कि हम काला धन लेकर आएंगे विदेशों से और हमारी खून पसीने की कमाई ब्लैक मनी में जाके विदेशों में जमा होगी। सर, जहाँ सरकार अब तक कह रही थी गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए समर्पित है, क्या आपको लगता है? ये बिल्कुल छलावा है, बिल्कुल झूठ है। आज तो नरेंद्र मोदी की बात से लोग एक ये समझते हैं कि ये सिर्फ बोलने वाला आदमी है। प्रधानमंत्री की छवि उन्होंने ख़राब कर दी है। भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कि बोलता चला जाता है और उसकी बात की कोई हकीकत नहीं होती। विश्वास जनता का उठ चुका है बिल्कुल। और अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाला 2019 का इलेक्शन बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो तो पता लग जाएगा, जनता बिल्कुल पगला गई। मतलब आप ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं? ईवीएम पर। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट है, सर आप बताइए आपको क्या लगता है? ये कहना कि हुकूमत को पता नहीं था, यह गले से उतरने वाली बात नहीं है, नाकाबिल तस्लीम और नाकाबिल कबूल है। कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी छोटा सा छोटा भी काम हो, कहीं पर भी हो रहा हो, कितने ही दूरदराज इलाके में हो रहा हो, हुकूमत उससे वाकिफ़ होती है अपनी एजेंसियों के ज़रिए और दूसरे इदारों के ज़रिए। इसलिए यह कहना कि हुकूमत वाकिफ़ नहीं थी, वो लेके भाग गया, ये गलत है। हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर ऐसा इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। और ये मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ईवीएम को इस्तेमाल ना करके बैलेट पेपर से वोटिंग कराया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर में उतनी बेईमानी की धांधली करने की उतनी गुंजाइश नहीं होती। और ये जहाँ तक ये बात है कि गरीबों की हुकूमत है, ये तो एक तरह का ये भी एक जुमला ही है कि गरीबों की हुकूमत है, क्योंकि आप देखिए वज़ीर आज़म जहाँ भी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ एक बड़ा दस्ता सरमायाकारों का होता है, सरमायादारों का होता है, ताजरों का होता है। तो ये उसमें नीरव मोदी भी उनके साथ जी, नीरव मोदी भी थे और दूसरे बहुत सारे लोग भी थे। और इसीलिए अपोजिशन पार्टियाँ सवाल कर रही हैं कि आखिर आप अपने साथ किन लोगों को लेकर के जा रहे हैं और उनके अखराज कौन बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन हुकूमत इसका कोई जवाब नहीं दे रही। सर, इससे पहले विजय माल्या के मामले में अगर देखें, वो अब तक वापस नहीं आ सके हैं, तो इस मामले में आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता कि इसमें भी कोई कामयाबी, क्योंकि कामयाबी उस वक्त मिलती है कि अगर हुकूमत उसमें संजीदा हो। वो लोग जब उसकी पूरी फैमिली नीरव मोदी की चली गई, उसके बाद सीबीआई हरकत में आई। हालांकि सीबीआई को ऐसा नहीं कि खबर नहीं होगी, सीबीआई तो मामूली बातों की भी खबर रखती है, तो उसको पहले भी पता होना चाहिए था और ज़रूर रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर अब कोई कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम है। मुमकिन है इलेक्शन आते आते कोई छोटा मोटा कोई फैसला ऐसा हो जाए जो पब्लिक को दिखाने के लिए, आवाम को धोखे में रखने के लिए, फरेब देने के लिए, भाई हमने इसमें यह कर दिया। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये मामला अपने लॉजिकल एंड तक पहुँचे। सर, आप एक जर्नलिस्ट हैं तो मैं आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे सवाल करता हूँ, अगर यूपी के दौर में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो इस देश में जो जनता है वो सड़कों पर आ जाती थी, लेकिन इस बार वो मामला देखने को नहीं मिल रहा है। असल में इस मुल्क में इस हुकूमत में एक तरह से गैर ऐलानिया इमरजेंसी जो कहा जा रहा है कि नाफिज़ है, वो बहुत हद तक सही है। कहीं भी कोई भी अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है तो वो पूरा जो उनका सरकारी मशीनरी है वो उसके ख़िलाफ़ सरगर्म हो जाती है। आरएसएस का पूरा ढांचा है, उसमें से वो लोग उनके ख़िलाफ़ जो उसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ FIR वगैरह दर्ज कराते हैं। इसलिए लोगों में भी एक तरह का खौफ हरास है और मीडिया में तो आप जानते ही हैं, एक मीडिया वाले भी डरे हुए हैं, कुछ ही लोग हैं जो खुल करके बोलते हैं। तो ऐसे में जो हुकूमत की दबाव बनाने की पॉलिसी है या आवाज़ को कुचलने की पॉलिसी है, उसकी वजह से लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन इसमें अपोजिशन पार्टियों की भी गलतियां हैं, अपोजिशन पार्टियों को इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट, बल्कि और जितने भी मामले हैं सबको हाईलाइट करना चाहिए, सड़कों पर लेकर आना चाहिए, पब्लिक को लेकर आना चाहिए। अगर वो लोग आए पब्लिक को लेकर के तो पब्लिक इनके साथ आएगी।